हेलो दोस्तों, तो आज हम निकल रहे हैं बरसाना दर्शन करने के लिए। तो आज जाएंगे बरसाना गोवर्धन में, जो परिक्रमा में जितने भी स्थान आते हैं वो सब आपको दर्शन कराते हुए निकलेंगे। और वैसे तो गोवर्धन में जब परिक्रमा लगाएंगे तो उस समय इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो गाड़ी से बाइक से ही लगाएंगे। और उसमें जो भी मानसरोवर, मानसी गंगा, राधा कुंड और जितने भी स्थान आएंगे वो आपको दिखाते चलेंगे। मैं जब बरसाना जाएंगे तो वहाँ क्या क्या देखने के लिए स्थान है वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, जैसे ही दोस्तों हम यहाँ से ये वृंदावन से चटीकरा रोड निकल रहे थे तो हमें रास्ते में मिला है ये देवकीनंदन ठाकुर जी का प्रिया कांतजू मंदिर, जो कि है लोटस टेंपल, जो कि देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर ये है। तो हम अभी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम निकल जाते हैं क्योंकि हमें बरसाना पहुँचना है। देख सकते हैं ये दान घाटी है और यहाँ के ठाकुर जी के आपको दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और परिक्रमा हम मोटरसाइकिल से ही दे रहे हैं क्योंकि हमें एक दिन में ही बहुत सारी जगह घूमना है। और यह है परिक्रमा मार्ग गोवर्धन का। तो अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन गिरिराज जी, जहां पर दूध चढ़ाया जाता है, यानी जतिपुरा। और जतिपुरा से दर्शन करके फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो अभी यहाँ दर्शन कर लेते हैं पहले। तो अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड पर, जो कि पड़ता है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। और जब भी आप गोवर्धन आएंगे तो आपको राधा कुंड मिल जाएगा देखने को। और राधा कुंड के पास में ही है जस्ट श्याम कुंड, तो वो भी यहीं से दिखाई देगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको अंदर जा कर दिखाता हूँ कितना बड़ा राधा कुंड है ये। तो इसका नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अभी बरसात का एंडिंग टाइम है तो यहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है इसमें, और लोग जो है यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इसके साइड में ही सामने जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा श्याम कुंड। तो अभी मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जो राधा कुंड है उससे बिल्कुल लगा हुआ श्याम कुंड है। और उधर जैसे जूम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसका पानी यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं राधा कुंड के पास में जस्ट उस साइड में आपको दिख रहे होंगे जो पानी भरा हुआ है उस साइड में, वो श्याम कुंड है। यानी राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों बिल्कुल पास पास में है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो भी है, यानी दोनों कुंड बराबर हैं। उसके हाथ छुड़ा रहा है उसकी मम्मी का, और अभी वो चाहता है उसको छोड़ कर चले जाए, यही पानी में खेलता रहे। देख सकते हैं राघव की मस्ती। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम मानसरोवर, और मानसरोवर में अभी जीर्णोद्धार हुआ है इसका। तो रात का जो टाइम होता है, लाइटिंग काफ़ी लगा दी गई है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा रहता है रात का। और अभी भी आप देख सकते हैं धूप जो पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो काफ़ी मनोहारी दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। तो जब आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो आपको ये परिक्रमा में ही मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये नज़ारा है यहाँ पर मानसरोवर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग जो है
कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं। और बरसाना पहुंचते पहुंचते हमारी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं बरसाना तो आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। तो ये काफी पहाड़ी पे है राधे रानी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राधे रानी जो मंदिर है उसके गेट के पास में, और यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके महल का दरवाज़ा खुले और सभी लोग अंदर इंटर हों। और सभी लोग राधे रानी से प्रार्थना करते हुए कि जल्दी से खुल जाए, शाम को 5 बजे खुलने का बोला है कि 5 बजे खुलेंगे, तब तक सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शाम होने को है और आसमान में जो बादल हैं वो भी मंडरा रहे हैं, यानी बरसात कब स्टार्ट हो जाए कोई पता नहीं है, हो सकता है हम यहाँ खड़े खड़े ही भीग जाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है राधे रानी का गांव यानी बरसाना, जो कि राधे रानी के महल से यानी पहाड़ी से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कितना प्यारा लगता है ये गांव बरसाना, बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और महल भी काफ़ी सुंदर है जो कि आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अभी अभी बरसात हुई थी तो सब लोग जो है हल्की हल्की बरसात में भीगने का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे गीला भी हो चुका है। तो लीजिए दोस्तों अब करिए राधे रानी जी के दर्शन जो कि है कान्हा जी के साथ में, और ये निज मंदिर है बरसाना का यानी महल जिसमें राधे रानी विराजमान है, और सभी लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। महल में जो आ चुके हैं वो सब दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर हैं प्रांगण में, कुछ लोग हैं अंदर। सो सभी लोग जो है लगे हुए हैं दर्शन करने में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और आप हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।